नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने किचन में। आज हम बनाने वाले हैं ये मज़ेदार से गुलाब जामुन। गुलाब जामुन हर तरह की पार्टी में, फंक्शन में या त्यौहार वगैरह पे बनाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सभी की फेवरेट मिठाई होती है। और देखिए कितना सॉफ्ट, कितना रसीला जो है हमारा गुलाब जामुन बना हुआ है। ये गुलाब जामुन बनाए हैं मैंने मावा के साथ, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, एकदम यूनिक इनका टेस्ट आता है। और मार्केट में इस तरह के गुलाब जामुन बहुत ही कम मिलते हैं, या फिर मिलते भी हैं तो ये बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं, क्योंकि ये मावा के साथ बने होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आप सभी के लिए बहुत अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए हैं ये मावा के गुलाब जामुन बनाने के लिए। उम्मीद है आप सबको पसंद आएंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए फिर शुरू करते हैं ये मज़ेदार से गुलाब जामुन बनाना। गुलाब जामुन बनाने के लिए मैंने ये 250 ग्राम मावा लिया है। ये मेरा घर का बना हुआ मावा है, मैंने पहले ही बना के रख लिया था, इसलिए ये थोड़ा सा टाइट हो गया है। अब हम इसे गैस पे थोड़ा सा गर्म करेंगे, जिससे हल्का सा लूज भी हो जाएगा और थोड़ा सा सिक भी जाएगा। आप मार्केट से भी मावा ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे गुलाब जामुन बनाने के लिए जो मावा चाहिए होता है वो थोड़ा सॉफ्ट ही लगता है। मार्केट में वैसे अलग से भी गुलाब जामुन के लिए मावा मिलता है, धाप के नाम से मार्केट में बिकता है। एक दो मिनट तक हम इसे चलाते हुए इस तरह से भून लेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल मैंने लो पे रखा हुआ है, और इसमें अलग से मैंने कोई घी वगैरह ऐड नहीं किया है इसको गर्म करने के लिए, क्योंकि मावा में अपना ही खूब सारा घी होता है। अगर इसमें हमने ज़्यादा घी कर दिया तो जो हमारे गुलाब जामुन है वो अच्छे से नहीं ले पाएंगे। मावा यहाँ पर भून गया, देखिए अच्छे से ये सॉफ्ट हो गया है। अब गैस का फ्लेम हम बंद करेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। जब तक हमारा मावा ठंडा होगा, हम इसके लिए शुगर सिरप बना के तैयार करेंगे। एक एक चीज़, छोटी छोटी टिप्स इस वीडियो में शेयर की गई हैं। सबसे पहले हम गुलाब जामुन के लिए चाशनी बना के तैयार करेंगे। तो ये मैंने 400 ग्राम चीनी ले ली है, आप इसकी जगह 500 ग्राम भी चीनी ले सकते हैं। और अब इसमें दो कटोरी भर के मैंने पानी डाल दिया है, क्योंकि गुलाब जामुन की जो चाशनी होती है वो थोड़ी सी पतली ही होती है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा थिक भी हो जाती है तो फिर क्या होता है, हमारे गुलाब जामुन चाशनी को सोख नहीं पाते। फ्लेवर के लिए मैंने इसमें ये इलायची और केसर डाल दी है, बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है इससे। मतलब अगर आपने 500 ग्राम चीनी ली है तो आप उसके लिए कम से कम 250 मिलीलीटर पानी ज़रूर लें। चीनी यहाँ पे देखिए पूरी तरह से घुल गई है, और हमारी जो चीनी थी ये बिल्कुल साफ थी, इसमें कोई गंदगी नहीं थी, इसलिए इसको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास चीनी थोड़ी सी मैली है तो उसको भी आप साफ़ कर सकते हैं। इस टाइम पे आप इसमें एक चम्मच दूध डाल दें। दूध क्या होगा, चाशनी में जाके पूरी गंदगी को ऊपर ले आता है और बिल्कुल आपकी चाशनी क्लियर हो जाती है। चाशनी को चेक करने के लिए आप चम्मच में एक दो बूंद चाशनी ले लें और इसको ठंडा होने के बाद इस तरह से चेक करें। अभी ये नहीं बनी है। गुलाब जामुन के लिए जो चाशनी है वो हमें आधे तार की चाहिए होती है, मतलब पूरा भी तार नहीं बनाना है, इसको हल्का सा हमें चिपचिपा करना है, आधा तार आप कह सकते हैं। इस तरह से जब आप अपने उंगलियों के बीच में इसको चेक करेंगे तो आधा तार बनना चाहिए। और यहाँ पे चाशनी मेरी तैयार हो गई है। अब इसमें हम डाल देंगे कुछ बूंदें नींबू के रस की। नींबू का रस चीनी में क्रिस्टल बनने से रोकता है, जमने से रोकता है। इधर हमने जो मावा भून के रखा था वो भी देखिए ठंडा हो गया है, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करके लेना है। अब इसमें मैंने डाल दिया है 1/4 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, चुटकी से आप बोलें तो 2 चुटकी के बराबर है ये, और 1 चम्मच इसमें पानी डाल के अब इसको मावा के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेकिंग पाउडर की जगह अगर आप बेकिंग सोडा ले रहे हैं तो आप उसको 1 चुटकी ही लें। गुलाब जामुन के लिए जो मावा लगता है वो बिल्कुल हमें सॉफ्ट चाहिए होता है। अगर आपने बहुत हार्ड डो बना दिया तो आपके जो गुलाब जामुन है वो अंदर से बहुत सख्त हो जाएंगे, वो बिल्कुल भी चाशनी को फिर सोखेंगे नहीं। और अब इसको बाइंड देने के लिए हम इसमें डालेंगे ये 2 से 2.5 चम्मच मैदा। 250 ग्राम हमारा मावा था और ये 2.5 चम्मच मैंने इसमें मैदा डाल दिया है। अब मैदा को अच्छे से हमें मावा के साथ मिक्स कर लेना है।
मिक्स करके हम देखेंगे। ये थोड़ा सा मुझे अभी टाइट लग रहा है, तो इसके लिए मैंने ये 1 चम्मच इसमें दोबारा से पानी ऐड कर दिया है। आपको फिर से बता रही हूँ, गुलाब जामुन बनाने के लिए जो आपको ये मावा चाहिए, जो डो चाहिए, वो आपको हल्का लूज ही चाहिए। बहुत ज़्यादा टाइट हमें इसे नहीं करना है। इसलिए अगर आपको लगे कि आपका डो टाइट है, तो आप थोड़ा सा इस तरह से पानी डाल के इसको लूज कर सकते हैं। यहाँ पे डो बनके तैयार हो गया। टोटल मुझे इसमें 2 चम्मच पानी भी लग गए हैं, क्योंकि ये मावा हमारे घर का बना हुआ था, इसलिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं था। गुलाब जामुन के लिए वैसे मार्केट में अलग से मावा भी मिलता है। डो हमारा बन गया है। अब इसमें से हम कुछ पोर्शन करेंगे इस तरह से काट के, ताकि जो हमारे गुलाब जामुन है सारे इक्वल साइज़ के बने। अब इसको हम लंबाई में इस तरह से बढ़ा लेंगे और इसमें से फिर से हम टुकड़े काटेंगे। तो जिस साइज़ के आपको गुलाब जामुन बनाने हैं, बड़े छोटे, उसी साइज़ के आप इस तरह से काट लें। मैं मीडियम साइज़ के बना रही हूँ, ना बहुत ज़्यादा बड़े ना बहुत ज़्यादा छोटे। और दोनों हथेलियों के बीच में इसको इस तरह से हमें चिकना कर लेना है। ध्यान रहे, जो आप ये गुलाब जामुन के लिए बोल बना रहे हैं, ये बिल्कुल क्रैक फ्री होनी चाहिए। इसमें कोई भी क्रैक्स नहीं होना चाहिए, नहीं तो गुलाब जामुन फट भी जाते हैं। यहाँ पे भी अगर आपको लग रहा है गुलाब जामुन बनाते बनाते कि ये डो थोड़ा सा टाइट हो गया है, तो आप 1 चम्मच दूध डाल के इसको फिर से लूज कर सकते हैं। सारे गुलाब जामुन बना दिए मैंने और इनको ढक के भी रख दिया है, क्योंकि बहुत जल्दी ये सूखने लग जाते हैं। आप जब इनको तेल में डालें, तो हाथ से हल्का हल्का सा फिर से इसको चिकना कर सकते हैं। और इधर कढ़ाई में मैंने रख दिया है तेल। तो सबसे पहले हम इसमें 1 गुलाब जामुन डाल के टेस्ट करेंगे कि हमारा जो गुलाब जामुन का डो है वो सही बना है या नहीं। तो मैंने ये थोड़ा सा इसमें डाल के देखा था, एक टुकड़ा, ये बिल्कुल नीचे जाके बैठ गया था। बस इतना ही गर्म हमें तेल चाहिए। गुलाब जामुन के लिए जो तेल हमें चाहिए होता है, वो हल्का सा गर्म, आप उसको उंगली से टच कर सकें, इतना गर्म होना चाहिए बस, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं। और इस तरह से चम्मच से इसको हिलाते हुए हम पकाएंगे, जब तक इसका अच्छा सा कलर ना आ जाए। और आप देख सकते हैं गुलाब जामुन हमारा बिल्कुल फटा नहीं है, उसी शेप में है। मतलब जो हमारा गुलाब जामुन का डो है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपका गुलाब जामुन तेल में जाने के बाद फट रहा है, तो मतलब आपका जो डो है बहुत ज़्यादा लूज है। तो उस टाइम पे आप इसमें 1/2 चम्मच मैदा और ऐड करके इसको दोबारा से मिक्स कर सकते हैं। और देखिए कितना बढ़िया गुलाब जामुन सिक रहा है, बिल्कुल फट नहीं रहा है। साइज़ में भी देखिए कितना बड़ा हो गया है। अब इसमें हम गुलाब जामुन डाल के फ्राई करेंगे। एक साथ बहुत ज़्यादा गुलाब जामुन इसमें नहीं डालने हैं, नहीं तो क्या होता है, गुलाब जामुन तेल में जाने के बाद अपने साइज़ में डबल होता है। तो इस टाइम पे अगर आपने बहुत सारे एक साथ डाल दिए, तो ये आपस में एक दूसरे से टकरा के फट सकते हैं। यहाँ पे कैमरा थोड़ा सा सेक कर गया है, और जो सबसे पहले गुलाब जामुन मैंने डाला था, वो अच्छे से हमारा फ्राई हो गया। इसको हम डायरेक्ट अब चाशनी में डाल देंगे। और ये बचे हुए गुलाब जामुन हैं, इनको इस तरह से हिलाते हुए हमें फ्राई करना है। गुलाब जामुन को हम टच नहीं करेंगे, चाहे तो आप चाहें तो चम्मच तेल में डाल के इस तरह से घुमा सकते हैं, या फिर कढ़ाई को भी आप कपड़े से पकड़ के धीरे धीरे हिला सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, फटने का इसका डर रहता है अगर इस टाइम पे हम इस पे चम्मच लगाएंगे तो। और ये वो वाला गुलाब जामुन है जो हमने पहले ही बना के डाल दिया है, बहुत अच्छे से चाशनी को सोख रहा है। देखिए कितने बढ़िया फूल गए हैं गुलाब जामुन, बहुत ही बढ़िया इस पर कलर आता जा रहा है। गुलाब जामुन को फ्राई करने में कम से कम हमें 15 मिनट तो लग ही जाते हैं। तेल एकदम कम हमें गरम लेना है। बीच में अगर आपको लगे कि तेल बहुत ज़्यादा गरम हो गया, तो थोड़ी देर के लिए आप गैस की फ्लेम को बंद भी कर सकते हैं। जब ये धीरे धीरे सिकते हैं ना, तभी ये अंदर तक पकते हैं। तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे, धीरे धीरे इनको सिकने देंगे। मैं 2-3 बैच में फ्राई करूँगी। एक साथ मैंने सारे गुलाब जामुन नहीं डाले हैं। अब गुलाब जामुन के कलर की बात आती है, तो कलर देखिए आप इसका लाइट डार्क जैसा आपको चाहिए आप रख सकते हैं। मुझे थोड़ा सा लाल वाला ही कलर ज़्यादा अच्छा लगता है। ऊपर नीचे से दोनों तरफ से एक जैसा कलर आने तक इनको फ्राई करेंगे। और यहाँ पे कितना सुंदर, देखिए कितना मस्त कलर आ गया है गुलाब जामुन का।
और यहाँ पे आपको देख के समझ आ ही गया होगा कि गुलाब जामुन कितने अच्छे बन रहे हैं, ये बिल्कुल कहीं पे भी फट नहीं रहे हैं। अब इनको निकाल के हम डायरेक्ट चाशनी में डाल देंगे। चाशनी अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी सी भी ठंडी हो गई है तो आप इसको हल्का सा दोबारा से गर्म कर सकते हैं। एकदम ठंडी या फिर बहुत ज़्यादा गर्म चाशनी में गुलाब जामुन नहीं डालने, हल्की गुनगुनी सी चाशनी होनी चाहिए। और अब चाशनी में जाने के बाद ये धीरे धीरे चाशनी को अपने अंदर सोखेंगे और साइज़ में और भी ज़्यादा ये बड़े हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हमें सारे गुलाब जामुन फ्राई करने हैं। दूसरा बैच डालने से पहले गैस को हम बंद करेंगे और थोड़ी देर के लिए तेल को ठंडा होने देंगे। जब तेल हमारा हल्का सा गर्म रह जाएगा तभी इसमें दोबारा गुलाब जामुन डालने हैं। ज़्यादा गर्म तेल में क्या होता है, जो हमारे गुलाब जामुन है एकदम से ये तैर के ऊपर आ जाते हैं और कलर भी तब की तब इनका चेंज हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल हल्की हल्की आँच पर इनको फ्राई करना है। कलर आप इसका डार्क और ज़्यादा डार्क या थोड़ा सा लाइट जैसा आपको पसंद है रख सकते हैं। देखिए ये भी हमारे गुलाब जामुन फ्राई हो गए हैं, एक भी गुलाब जामुन मेरा फटा नहीं है। सारे गुलाब जामुन बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही बढ़िया बनके तैयार हुए हैं। और ये मावा के गुलाब जामुन हैं, यकीन मानिए इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, सुपर यमी सुपर सॉफ्ट ये बनके तैयार होते हैं। अभी देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी एक गुलाब जामुन। जितने सुंदर ये देखने में लग रहे हैं, खाने में तो और भी ज़्यादा ये टेस्टी हैं। ये देखिए कितना सॉफ्ट, कितना रसीला है गुलाब जामुन। आपके भी गुलाब जामुन बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे अगर आपने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो किए तो। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।